integrate it. Add wings to your career. Hello everyone, my name is Amit. Welcome to our channel Integrated. तो अभी तक अपन ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए, तो उसमें से जो टॉपिक्स रिमेनिंग बच जाते हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसमें पहला आता है अपने पास स्टेबिलिटी, उसके बाद में आता है आर्चेस, और फिर अपने पास दो एक थ्योरम बचती है, मैक्सवेल और बेटीज थ्योरम। तो इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ अपन आज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो आपने डिटर्मिनेंसी पढ़ी है, उसमें आप बताते हो कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। उससे सिमिलर पार्ट मेरे पास यहाँ पे आता है स्टेबिलिटी का टॉपिक। तो स्टेबिलिटी मुझे कैसे फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, तो वो एक्सटर्नल भी होती है इंटरनल भी होती है। तो ऐसे आपको अगर स्टेबिलिटी बताना हो किसी स्ट्रक्चर का इंटरनली, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला पार्ट देता है, क्योंकि आप देख के उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि वो स्टेबल है या नहीं है। फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि इन पैरामीटर के बेसिस पे अपन इसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला कौन सा है एक्सटर्नल और दूसरा कौन सा है इंटरनल। अगर मैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करूं, तो एक्सटर्नल स्टेबल होने के लिए स्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 रिएक्शंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3 रिएक्शंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अगर मान लो कि मिनिमम 2 रिएक्शंस रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे 2 रिएक्शन है, तो उन दोनों रिएक्शन यानी कि उस बीम पे या फ्रेम पे अगर 2 रिएक्शन लग रही है और उस पर अगर लोडिंग लग रही है, तो वो उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वो क्या होगा मेरे पास अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। कौन सा वाला, एक्सटर्नल, क्लियर है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है इसमें कि दीज 3 रिएक्शन शुड बी नॉन पैरेलल और नॉन कनकरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो तीनों जो रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि तीनों रिएक्शंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए। कैसे, जैसे इस वाले केस में देखो, एक रिएक्शन यहां लगेगी, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन मुझे क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, बट ये तीनों रिएक्शन मेरे पास क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए एक्सटर्नल स्टेबल होने के लिए। फिर दूसरा बोला उसने नॉन कनकरेंट, तो ये टॉपिक, ये वाला वर्ड अपन ने ट्रस्ट में देखा था कि कनकरेंट क्या होता है। तो कनकरेंट का मीनिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सारी रिएक्शंस का पास होना, जैसे कुछ इस फॉर्म में, क्लियर है। तो यानी कि मेरे पास वो जो रिएक्शंस है वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास हो रही है, जितने भी मेरे पास उस स्ट्रक्चर में या फिर उस बीम या ट्रस में रिएक्शंस लग रही है वो किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं कनकरेंट, और अगर एक पॉइंट से पास नहीं हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं नॉन कनकरेंट, क्लियर है। तो अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक्सटर्नल स्टेबल के लिए मुझे दो कंडीशन चेक करनी है, यानी कि ये दोनों कंडीशन किसके बारे में बता रही है, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में बता रही है, क्लियर है। यानी कि सपोर्ट रिएक्शन और सपोर्ट की कंडीशन कैसी है उसको मुझे डिनोट करना है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी से, अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। तो इंटरनल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ मेरे पास, इंटरनल स्टेबिलिटी होने के लिए पहली चीज लिखी है कि कोई स्ट्रक्चर इंटरनल अनस्टेबल कब होगा, कब होगा, जब मेरे पास व्हेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज मूव्स विद रेस्पेक्ट टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इसका कहने का मीनिंग हुआ कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, कंप्लीट है, इसमें से इतना जो पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनाया, ये वाला पार्ट क्या करेगा, कंटिन्यूसली 3 हिंज दे रहा है, और इस पर्टिकुलर की वजह से और यहां इस पर्टिकुलर की वजह से मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे मेरे पास मैकेनिज्म जनरेट हो जाएगी, और इसकी वजह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मूव होने की कोशिश करेगा। तो यानी कि इंटरनल स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज तो 3 कंटिन्यूस में हिंजेस नहीं होने चाहिए, और स्ट्रक्चर का हाफ पार्ट जो है उसकी वजह से जो दूसरा हाफ पार्ट बचा है वो मूव नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, इंटरनल अनस्टेबल मिलेगा, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो मुझे उसको स्टेबल बनाने के लिए, इंटरनल स्टेबल बनाने के लिए क्या करना है, कंटिन्यूस में 3 हिंजेस नहीं होने चाहिए, और मेरे पास अगर मैं बात करूं कोई मेरे पास बीम या फ्रेम है तो उसमें अगर हाफ पार्ट की बात कर रहा हूं यानी कि थोड़े से पार्ट की भी बात कर रहा हूं तो उसकी वजह से बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो मूव नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो अपन इन पैरामीटर के बेसिस पे बता सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्टेबल है या इंटरनल स्टेबल है, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक
स्टेबल अपन को चेक करने के लिए वो एक्सटर्नली और इंटरनली होना जरूरी है। तो इसी के बेसिस पे देखो मैंने एक टेबल बनाई है बहुत ही अच्छी, उसमें मैंने क्या लिखा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल और टोटल मैंने बताया, यानी कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नली स्टेबल है या इंटरनली है, तो आपको ये दो पैरामीटर चेक करना है, या फिर अगर उसने आपको बोल दिया कि आपको टोटल स्टेबिलिटी चेक करनी है तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल आपको खुद को दोनों को देखना होगा, उन दोनों के बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है या फिर नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कोई स्ट्रक्चर एक्सटर्नली स्टेबल है और इंटरनली भी स्टेबल है तो वो टोटल स्टेबिलिटी देगा, आप सबको पता है। सेकेंड वाला चीज, अगर वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नली स्टेबल है बट इंटरनली अनस्टेबल है तो वो जो टोटल मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन देखो, अगर वो चीज एक्सटर्नली अनस्टेबल है और इंटरनली स्टेबल है तो वो टोटल स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो उसकी सपोर्ट रिएक्शंस की वजह से, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस बन रही है और वो एक्सटर्नली अनस्टेबल है तो टोटल स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, अनस्टेबल ही होगी, भले ही वो इंटरनली स्टेबल हो। तो आपको एक चीज यहां से पता चल रही है कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए होना क्या जरूरी है, वो चीज एक्सटर्नली स्टेबल होना जरूरी है, तभी वो टोटल स्टेबिलिटी आपको देगा। क्लियर है? अब इसी पे बेसिस अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल्स अपन देखते हैं, मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल लिखे हैं और वो भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये दो कंडीशन बनाई क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या वेरी करती है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, तो वो चीज अपन इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहां से मैं देखता हूँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखो जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे क्या लिखा है कि मिनिमम 3 रिएक्शंस रिक्वायर्ड चाहिए, तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आ रही है, 2 आ रही है, तो ये क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, बट ये वर्टिकल लोडिंग जो है वो इसको मूव नहीं होने देगी तो वो स्ट्रक्चर को क्या बनाएगी, स्टेबल बनाएगी। इसका सेकंड देखो, इसमें मेरे पास 3 होनी चाहिए बट वर्टिकल लोडिंग भी नहीं है तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब मेरे पास सेकंड आता है मेरे पास इसमें कि 3 रिएक्शंस है फुलफिल कर रहा है बट तीनों क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो पैरेलल है, बट ये जो वर्टिकल लोडिंग है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएगी। अगर मान लो ये वर्टिकल लोडिंग नहीं होती तो वो इस स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना देगी। क्लियर हो गया? तो ये चीज जो अपन देख रहे हैं वो सारी किसकी है, एक्सटर्नल की है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन थर्ड की, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट आता है नॉन कंकरेंट का, इसको अपन समझते हैं। तो इस वाले पॉइंट में देखो, पहली चीज तो मिनिमम 3 रिएक्शंस रिक्वायर्ड है, तो अब इसमें से स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है, तो ये क्या है मेरे पास, स्टेबल है, और ये वाला क्या है, अनस्टेबल। क्यों है, चेक करते हैं अभी। तो देखो यहां से ये वाला जो सपोर्ट है इस पे 2 रिएक्शन आएगी और इस रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन आएगी, तो अगर मैं तीनों का एक्सिस अगर आपस में मिलाऊं तो देखो ये ऐसा जा रही है, ये इस पॉइंट से ऐसे पास होगी और ये वाला कुछ ऐसा जाएगा, तो तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, मीन्स नॉन कंकरेंट है। क्लियर है ना? यानी कि मिनिमम 3 रिएक्शन भी है, तीनों नॉन पैरेलल भी है, क्योंकि देखो 2 मेरे पास पैरेलल है और 1 पैरेलल नहीं है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, और तीसरा नॉन कंकरेंट है, यानी कि जो तीनों रिएक्शन है वो एक पॉइंट से पास नहीं हो रही है, 2 तो हो रही है बट तीसरी वाली नहीं हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा मेरे पास, स्टेबल होगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ देखो इस वाले की, इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दोनों रिएक्शन इस पॉइंट से पास हो रही है और मैंने रोलर सपोर्ट को कुछ ऐसा लगाया, तो इसकी जो रिएक्शन लगेगी उसको मैं अगर आगे लेके जाऊं तो इस पॉइंट में मिली, इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो तीनों जो रिएक्शन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि वो नॉन कनकरेंट को फॉलो नहीं कर रही है, वो क्या हो गया, कनकरेंट हो गया, यानी कि मिनिमम 3 रिएक्शन तो है, मिनिमम 3 है, तीनों नॉन पैरेलल है, बिल्कुल तीनों नॉन पैरेलल है, बट ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, आपको मेन क्या देखना है उस क्वेश्चन में, स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नली स्टेबल है या फिर नहीं है, तो वो चीज को कैसे देखते हैं, वो चीज मुझे समझ में आ गई। अब मैं बात करूं
इंटरनल स्टेबिलिटी की। तो इंटरनल स्टेबिलिटी का अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे तीन हिंजेस कंटिन्यूस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है when there are three hinges in continuous, then mechanism takes place and a part of structure will be collapse. यानी कि तीन hinges अगर continuous में आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, mechanism बन जाएगा, और ये जैसे ही mechanism बनेगा तो ये बाकी के structure को क्या कर देगा, collapse कर देगा। Clear है? तो ध्यान रखना आपको, ये जो structure है वो internally unstable है but externally क्या है, stable है, क्योंकि देखो तीन reaction से ज्यादा है और वो तीनों तीन तो यहाँ पे पैरेलल है, बट यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी एक मेरे पास नॉन पैरेलल की कंडीशन बना देगी। यानी कि वो अगर सिर्फ मेरे पास तीन ही होता, यानी कि ये बीम इतनी सी होती तो ये अनस्टेबल होती एक्सटर्नली, बट ये कंप्लीट बीम है तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी वो उसको एक्सटर्नली स्टेबल नहीं बनने देगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इसको यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी हॉरिजॉन्टल वाली वो क्या करेगी, उसको एक्सटर्नली स्टेबल बनाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? तो आप देखो, अगर मैं इसकी टोटल स्टेबिलिटी की बात करूं तो एक्सटर्नली तो स्टेबल है और इंटरनली अनस्टेबल है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, देखो एक्सटर्नली स्टेबल है बट इंटरनली अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर है? अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्या ये एक्सटर्नली स्टेबल है? बिल्कुल है। तो मैं बात करता हूं कि क्या ये इंटरनली स्टेबल है क्या, तो इंटरनली स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका कोई एक आधा पार्ट है जो बाकी के स्ट्रक्चर्स को मूव करेगा या मैकेनिज्म बनाएगा, कहीं बन रहा है क्या, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फिक्स है तो ये इंटरनली भी स्टेबल हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूं कि वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से स्टेबल है, क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और 4 की। तो यहां से मैंने फर्स्ट नंबर बनाया, इट मीन्स यहाँ पे अपन एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों चेक कर रहे हैं, और ये वाले जो तीन क्वेश्चन थे इसमें सिर्फ अपन ने एक्सटर्नली ही देखा था, क्लियर है? तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखो, ये एक्सटर्नली तो स्टेबल है, ये वाला स्ट्रक्चर भी एक्सटर्नली स्टेबल है। अब मैं बात करता हूं इंटरनली की, तो इंटरनली स्ट्रक्चर देखने के लिए यहाँ पे आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इस कैटेगरी के बेसिस पे, तो आपको ध्यान रखना है कि इस चीज को समझने के लिए आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर का फिनोमिना समझ में आना चाहिए, वो डिटेल में होता है। तो अभी अपन सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, इसको स्टेबल बनाने के लिए एक मेंबर और कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये इंटरनली स्टेबल होगा, क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अगर मेरे पास ये पिन जॉइंटेड जो ट्रस है उसमें जो सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर वाला जो पार्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे जो मेंबर कनेक्टेड है वो कुछ इस पैरेलल फॉर्म में है, यानी कि सेम मेरे पास ऐसा ट्रायंगल अंदर बना रहा है, क्लियर है? तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसको इंटरनली अनस्टेबल बनाएगा, क्योंकि ये अंदर रोटेट होने की कोशिश करेगा, और जब मैं स्ट्रक्चर को यानी कि इंटरनल वाले मेंबर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूं तो इसमें रोटेट होने के चांसेस कम है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म ना तो जनरेट होगी और ना ही मेरे पास उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कॉलेप्स होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, इंटरनली स्टेबल है। तो यानी कि इस कंडीशन से मुझे पता चलता है कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो आप क्लियरली विजिबल देख सकते हो, बट इंटरनली देखने के लिए आपको स्ट्रक्चर का पूरा मेंबर के सहित आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो एग्जाम में सिर्फ आपको वहां पे क्या टिक लगाना है, सबसे पहली चीज तो वो पैरेलल और कनकरेंट के बारे में पूछेगा, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो अपन ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, उसके बाद में वो एक्सटर्नली और इंटरनली के बारे में पूछेगा, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो टोटल के बारे में पूछता है या फिर एक्सटर्नल के बारे में पूछता है, क्लियर है? तो एक्सटर्नल आप इजिली बता सकते हो, इंटरनल के लिए आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं कुछ ऐसे हैं, और अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा, स्टेबल और अनस्टेबल आप बता सकते हो। तो टोटल स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल देख के आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है? अब इसके बाद में अपन टॉपिक पढ़ते हैं, दो मेरे पास थ्योरम बचती है और एक आर्च वाला टॉपिक बचता है, क्लियर है? तो अपन थ्योरम को देखते हैं।
आर्ट्स के बारे में अपन देखते हैं कि आर्ट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्ट्स होता क्या है। आर्ट्स आपने देखा है, वॉल्स के ऊपर लिंटल लगी होती है, किसी किसी घर में उस लिंटल की जगह आर्च लगा होता है, देखा होगा। यानी कि अपन लिंटल की जगह आर्च भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? आपने देखा ना, आपके जैसे डोर बना है मेरे पास, जैसे ये दरवाज़ा है, तो इस दरवाजे के ऊपर यहाँ पे लिंटल लगी हुई है वॉल्स पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अगर आर्च प्रोवाइड कर दिया या लिंटल प्रोवाइड कर दिया, तो उन दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा? आर्च क्या काम करता है? उस बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे वॉल्स पे लिंटल लगा रखी है, जैसे मेरे पास ये वॉल्स है, इस पे मैंने अगर लिंटल लगा रखी है, तो इस पे जब लोड आएगा तो इसमें बेंडिंग आएगी, ऑब्वियसली बात है। अगर मैंने यहाँ पे आर्च प्रोवाइड करवाया है, यहाँ पर मैंने आर्च प्रोवाइड करवाया है, और ये मान लो मेरे पास लोडिंग लगाई मैंने इस पे, तो ये क्या करेगा? इस बेंडिंग मोमेंट को कम करेगा, क्लियर है। अब वो डिपेंड करता है कि इस पे लोडिंग कौन सी है, पॉइंट लोड आ रहा है या यूडीएल आ रहा है, वो किस केसेस में कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं कि यहाँ जो अपने को आर्ट्स पढ़ने हैं वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कौन कौन से पढ़ने हैं, क्योंकि आपने आर्ट्स पढ़े हैं ना, तो आर्ट्स आपने जो पढ़े हैं वो बीएमसी में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे, तो वो आर्ट्स डेफिनेशन के बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ जो अपने से पूछा जाएगा वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए कुछ फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर है। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ अपने को जो आर्च है पढ़ने हैं वो कौन कौन से आर्च है। तो जैसे अपन ने लिखे आर्च, यहाँ पे कितने टाइप के दिख रहे हैं मुझे? चार टाइप के दिख रहे हैं। तो चार टाइप में पहला कौन सा हो गया? फिक्स आर्च। दूसरा हो गया वन हिंज आर्च। तीसरा हो गया टू हिंज आर्च। और चौथा हो गया थ्री हिंज आर्च। मैं अगर इनके एक बार डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम देखना है यहाँ पे। फिक्स आर्च आपको कैसा दिखता है? ये है मेरे पास फिक्स आर्च। दूसरा, अगर मैं वन हिंज आर्च बनाऊं तो ये मैंने इसमें एक हिंज बना दिया, वन हिंज आर्च हो गया। अब मैं बात करता हूं, मैं मुझे टू हिंज आर्च चाहिए तो यहां से हिंज हटा दो, वो हिंज कहां पे अवेलेबल होगा? सपोर्ट पे होगा। तो ये फिक्स सपोर्ट नहीं है, ये हिंज सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास टू हिंज आर्च। अगर मैं बात करूं मुझे थ्री हिंज आर्च चाहिए तो ये हो गया थ्री हिंज आर्च, क्लियर है। तो मैंने आपको चार टाइप के आर्च बताए। अब इन चारों टाइप के आर्च में से मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से स्टैटिकली डिटर्मिनेट आर्च कौन सा है, क्या बोला मैंने? इन चारों आर्च में से स्टैटिकली डिटर्मिनेट आर्च कौन सा है, तो आपको क्या करना है? मैंने बीम पढ़ाया था और फ्रेम पढ़ाया था। बीम, फ्रेम और ट्रस का अपन ने स्टैटिकली डिटर्मिनेंसी चेक की थी। तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो तीनों आर्च मैंने यहाँ पे बनाए, डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए थे, आपको क्या करना है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इन चारों में से स्टैटिकली डिटर्मिनेट कौन सा है और बाकी के जो आर्चेस है वो कितने डिग्री इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि इन चारों में से एक मेरे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट है और बाकी के जो तीन है अब वो कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहली चीज, इस आर्च को आप कैसे कंसिडर करोगे? ये आर्च आपको आपको कैसे कंसिडर करना है? एज ए बीम, क्योंकि एक ही मेंबर मुझे इसमें दिख रहा है, क्लियर है। तो आपको एक ही मेंबर आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको आपको बीम मानना है और इन चारों केसेस में से डिटर्मिनेट कौन सा है और इनडिटर्मिनेट कौन सा है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्लियर है। तो अभी अपन बात करते हैं कि मुझे इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। अगर मुझे थ्री हिंज आर्च गिवन है तो चार कंडीशन बनती है। चार कौन कौन सी? दो बनती है पैराबोलिक की और दो बनती है सेमी सर्कुलर की। तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि थ्री हिंज आर्च आपके पास गिवन है और वो कौन सा है? पैराबोलिक है। उस पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होती है? अगर सेमी सर्कुलर है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन में यूडीएल दे दूँ, एक बार पैराबोलिक में यूडीएल दे दिया तो एच की वैल्यू कितनी होगी, और सेमी सर्कुलर में यूडीएल दे दिया तो एच की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर है। उसके बाद में आता है अपने पास टू हिंज आर्च की। अगर अपन बात करते हैं तो उसमें पैराबोलिक की कंडीशन में एच की वैल्यू कितनी है और सेमी सर्कुलर में एच की वैल्यू कितनी है जब पॉइंट लोड आपको गिवन है, क्लियर है। सेमी सर्कुलर बनाया यानी कि मेरे पास ये पूरा रेडियस का काम करेगा, तो ये आर होगा, ऑब्वियसली बात है। और ये पैराबोलिक है तो इसकी हाइट कुछ अलग होगी और ये डिस्टेंस कुछ अलग होगी, आप सबको पता है। ये दोनों केस इसी के आगे आते हैं कि टू हिंज आर्च है मेरे पास और पैराबोलिक है,
उसमें मुझे पॉइंट लोड की जगह यूडीएल गिवन है, क्लियर है, तो उसमें एच की वैल्यू कितनी होगी। और सेमी सर्कुलर में, टू हिंज आर्च में सेमी सर्कुलर कंडीशन गिवन है और उसमें मुझे पैराबोलिक यूडीएल गिवन है, तो यहां पर एच की वैल्यू कितनी होगी। ये दोनों एच की वैल्यू आपके पास सेम होगी। अब मैंने कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा लिखी है, वो क्या लिखी है मैं यहां से बताता हूं आपको, कि कभी कभार ये दो कंडीशन भी पूछ ली जाती है, कि पहली कंडीशन यहां पे मान लो लास्ट वाली कंडीशन यानी कि सेमी सर्कुलर गिवन है, कौन से कंडीशन में, टू हिंज आर्च में, और वहां पे आपको पैराबोलिक दे दिया, सॉरी पैराबोलिक नहीं, आपको यूडीएल की कंडीशन दे दी, तो इस यूडीएल वाली कंडीशन की जगह मुझे अगर यूवीएल दे दे, कौन सा लोड दे दे, यूवीएल दे दे, तो उस कंडीशन में एच का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये एच का फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा यूवीएल की कंडीशन में। एक मैंने ये दिखाया कि इसी सेमी सर्कुलर में अगर पॉइंट लोड गिवन है, तो ये पॉइंट लोड अगर सेंटर पे गिवन ना होके कुछ एंगल पे यहाँ गिवन होगा, मतलब यहाँ इन इस डिस्टेंस में कहीं पे कुछ गिवन है और कुछ एंगल मुझे गिवन है, जैसे अल्फा हो गया, तो इस अल्फा की वजह से अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला बनता है मेरे पास कुछ ऐसा बनता है। इस पॉइंट लोड को मैं अगर सेंटर पे लेके आ जाऊं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा एच का, क्लियर है। तो ये आपको इसका एक जनरल केस भी ध्यान रखना है, और इस सेमी सर्कुलर में अगर यूडीएल गिवन है, यूडीएल की जगह अगर यूवीएल गिवन है, तो वो वाला केस भी आपको ध्यान रखना है। तो आज से मेरे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन ने देख लिए, इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो अपन ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं, कौन सा बचा है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल और बेटी थ्योरम, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम और बेटी थ्योरम की। तो दो सिंपल थ्योरम्स है, आपने टॉस फर्स्ट में पढ़ी होगी। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहती है, कि जैसे मैंने उसमें तीन कंडीशन मानी है, तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम मुझे ये कहती है कि मान लो आपके पास एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें मैंने किसी एक पॉइंट पे यूनिट लोड लगाया है, तो बी पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा कुछ ना कुछ। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा बी ए, तो डेल्टा बी ए का मीनिंग क्या हुआ, कि डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, किसकी वजह से, ए पॉइंट की वजह से, यानी कि ए पॉइंट पे मैंने यूनिट लोड लगाया है तो उसकी वजह से मुझे बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिला। फिर इसका मैंने रिवर्स किया, यानी कि जो लोडिंग मेरे पास ए पे गिवन थी उसको मैंने बी पे लगाया और डिफ्लेक्शन चेक किया ए वाले पॉइंट पे, तो मुझे कुछ ऐसा मिला। जब मैंने बी पॉइंट पे यूनिट लोड लगाया तो मुझे ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिला। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहती है कि आप जब ऐसी कंडीशन कुछ बनाते हो तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होता है। कंडीशन नंबर टू, कि मान लो कि मैंने ए पॉइंट पे यूनिट कपल लगाया तो बी पॉइंट पे मुझे क्या मिला, स्लोप मिला। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है फाइ बी ए, फाइ का मतलब स्लोप, बी पॉइंट पे ड्यू टू द ए पॉइंट। अब ए पॉइंट पे मैंने क्या लगाया, यूनिट कपल लगाया है, तो अब अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो यानी कि बी पॉइंट पे मैंने यूनिट कपल लगाया तो ए पॉइंट पे मुझे स्लोप मिलेगा, और इन दोनों स्लोप की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। फिर थर्ड मुझे कहता है कि आप दोनों कंडीशन को मिक्स कर लो, मींस यहां पे आप यूनिट लोड लगाओ, सॉरी यूनिट कपल लगाओ, और बी पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन चेक करो, फिर रिवर्स करो इसका। अब रिवर्स में आप क्या करोगे, बी पॉइंट पे आप यूनिट कपल की जगह यूनिट लोड लगाओगे और ए पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन की जगह स्लोप चेक करो, तो इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिलती है। तो ये तीन कंडीशन मुझे ये बताती है कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का यूज करके आप किसी भी बीम में दो पॉइंट में, यानी कि अब इन दोनों बीम ये जो बनी हुई है मेरे पास, दोनों बीम की कंडीशन सेम है, कैसे, कि पहले वाली जो बीम बनाई इसकी जितना मेरे पास ई आई है और लेंथ है वही सेम मेरे पास इसका है, ऐसा नहीं है कि दोनों की लेंथ मैंने अलग अलग ले ली या ये पॉइंट मैंने चेंज कर दिए। तो कंडीशन आपके दोनों में सिमिलर होनी चाहिए, कैसे, अगर इसकी लेंथ जितनी है वही लेंथ मैंने ये ली है, जहां मेरा ए और बी पॉइंट है वही पॉइंट मेरा ए और बी है, और दोनों का ई आई भी सेम है और सपोर्ट कंडीशन भी सेम है, यानी कि दोनों बीम्स में कंडीशन सारी सेम होनी चाहिए, बट ए और पी पॉइंट में मेरे पास लोडिंग में इनको चेंज करता जाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये तीन फिनोमेना मिलते हैं। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का यूज करके अपन यहाँ पे डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। सेकेंड आता है मेरे पास
बैटीज रेसिप्रोकल थ्योरम। तो बैटीज थ्योरम मुझे क्या बोलती है, बैटीज थ्योरम मुझे ये बोलती है, देखो क्या लिखा है कि वर्चुअल वर्क डन बाय द फर्स्ट सेट ऑफ फोर्सेस। जैसे मैंने कोई बीम ली है, मान लो कि जैसे मेरे पास ये कोई बीम है, तो बीम में मेरे पास एक फर्स्ट सेट ऑफ फोर्सेस लगा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिंग थ्रू द सेकेंड सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस फर्स्ट सेट में जब जो मैंने लोड लगाया, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है पी और डेल्टा, मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ फोर्स है, यानी कि पी, और डेल्टा मुझे क्या दे रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा पी डेल्टा हो गया मेरे पास फर्स्ट ग्रुप का, और सेकेंड ग्रुप का क्या मान लिया मैंने, पी डैश और डेल्टा डैश मान लिया। तो मुझे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने ये लाइन लिखी है, तो यहां से समझना इसका कहने का मतलब है कि वर्चुअल वर्क डन बाय द फर्स्ट सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग थ्रू द सेकंड सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये मेरे पास फर्स्ट सेट का है और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास दूसरे सेट का है, दिख रहा ना यहाँ पे, तो मुझे क्या देता है, इक्वल टू द वर्चुअल वर्क डन बाय द सेकंड सेट ऑफ फोर्सेस। तो सेकंड सेट ऑफ फोर्स कौन सा हुआ मेरे पास, ये हुआ वर्क डन बाय द सेकंड सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग थ्रू द फर्स्ट सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने ये ले लिया ए पॉइंट पे। अगर मैंने बी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो बी पॉइंट पे आ जाएगा, और जैसे जैसे मैं आगे सी पॉइंट डी पॉइंट तक बनाता जाऊंगा, तो मुझे कुछ इस फॉर्म में थ्योरम मिलती है। तो बैटीज थ्योरम मुझे लोड और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी मिल सकती है, और सेम जैसे मैंने यहां लगाया मूवमेंट लगाऊंगा तो रोटेशन या स्लोप भी मुझे मिल जाएगा। तो मूवमेंट पे मुझे स्लोप भी मिलेगा और लोड पे मुझे डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो आप इस थ्योरम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, थ्योरम आपके पास ही है। तो एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट दे सकता है, और या फिर इस बैटीज थ्योरम का भी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे सकता है। तो ये अपना ऑलमोस्ट टॉस कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो एसएससी जेई में आए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो राजस्थान जेई में आए हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।